Welcome students to Synopsis IAS. I am Dr. Mohammad Zia and this is our World History Series. We have come to the 9th lecture. और आज हम बात कर रहे हैं French Revolution, जो हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, आज हम उससे आगे की बात करेंगे. और ये जो सिंबल है जो आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, ये मैंने यूज ही इसीलिए किया क्योंकि इसका जो स्लोगन है, दैट इज लिबर्टे इगालिटे एंड फ्रेटर्निटी इन फ्रेंच, आई एम ट्राइंग टू स्पीक इन फ्रेंच. सो लिबर्टी, इगालिटेरियन सोसाइटी एंड and fraternity, these were the main slogans of the French Revolution. और वो एक ऐसे ही समाज की रचना करना चाहते थे वो लोग. हम world history देख रहे हैं और world history अगर आप GS की बात करेंगे तो ये दूसरे जो parts हैं history के, उसमें से इसका थोड़ा सा nature अलग है. इसका nature अलग इसलिए है, पहली तो ये कि this is exclusively for mains, ये prelims में नहीं आता, ये prelims के syllabus में ही नहीं. दूसरा ये कि इसको अब जब प्रीलिम्स में नहीं आ रहा है तो हम उतना ज्यादा फैक्चुअल होने की इसमें जरूरत नहीं है. हम इसको अंडरस्टैंडिंग के साथ लेके चलें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि किसी भी इवेंट के जो भी हम देखेंगे उसके दो पहलू हैं. पहला ये कि उस पर्टिकुलर इवेंट का दुनिया की टाइमलाइन पे क्या इम्पैक्ट रहा, दुनिया में उसने क्या चेंजेस लाए. जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ, अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन था तो उसने, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने सिर्फ फ्रांस के अंदर, उसने यूरोप को बदला, उसने लोगों की सोच को बदला, उसने उन थॉट्स को बदला जो उस दौर में थे, जो कि गुलामी करना चाहते थे, उन चीजों को बदला. एक एक पहलू तो ये हुआ. दूसरा ये कि उसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर क्या रहा. जैसे अगर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें तो 18 सेंचुरी का वो आखिरी रूलर जिसने अंग्रेजों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को थोड़ा सा रेजिस्टेंस शो किया, अच्छा खासा रेजिस्टेंस शो किया. वैसे टीपू सुल्तान, वो बहुत ज्यादा इस चीज से इंस्पायर्ड थे, बहुत ज्यादा इस चीज से प्रभावित थे कि ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, वो इतने ज्यादा इस चीज से मुतासर हुए कि उन्होंने अपनी जो कैपिटल थी, अपनी जो राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम, वहां पर टीपू सुल्तान ने एक ट्री ऑफ लिबर्टी प्लांट किया था. इसी लिबर्टी से इंस्पायर होकर उन्होंने अपने आप को सिटीजन टीपू कहा. एंड ही वाज हैविंग गुड रिलेशन विद फ्रेंच पीपल. एंड इट इज सेड दैट अगर नेपोलियन आगे चल के हम देखेंगे, नेपोलियन इमर्ज होगा और नेपोलियन हार भी जाएगा. अगर नेपोलियन हारता नहीं तो टीपू सुल्तान हैड अ प्लान कि नेपोलियन के साथ मिलके वी विल फाइट ब्रिटिशर्स. सो ये एक इंडिया के ऊपर इस चीज का असर ये था. तो हर इवेंट का हम दोनों पहलू देखने की कोशिश करेंगे कि उसका दुनिया पे क्या इम्पैक्ट रहा और उसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट रहा. तो आइए शुरू करते हैं हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन का सेकंड पार्ट. बट बिफोर दैट, दिस इज अबाउट माई सेल्फ, दिस इज माई एकेडमिक्स, माई एक्सपीरियंस. स्टिल आई बिलीव आई एम इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. सो लेट अस बिगिन फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट. सो हमने लास्ट सेशन में देखा था कि किस तरीके से ये जो फ्रेंच सोसाइटी है, जो फ्रेंच सोसाइटी थी रादर, वो कितना ज्यादा जो है वो उस थ्री एस्टेट्स में बटी हुई थी. नोबिलिटी बहुत ज्यादा थी, करप्शन था, सब कुछ था. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि जो थर्ड एस्टेट जिसे वो कहते थे, जिसमें वर्कर्स भी थे, लेबर्स भी थे, पीजेंट्स भी थे, आर्टिसंस भी थे, सब कुछ थे, वो कितना ज्यादा जो है मिजरी वाली जिंदगी जी रहे थे. अब इस दौरान क्या होता है, फ्रेंच में एक चेंज ऑफ कहना चाहिए गार्ड होता है और किंग लुई 16 जो है वो गद्दी पे बैठते हैं. इस बंदे के साथ थोड़ी सी दिक्कत थी, इनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि ये जो है बहुत ज्यादा एक ऑकवर्ड किस्म का बंदा था एंड ही वॉज वेरी मच इरिटेटिंग सॉर्ट ऑफ स्टफ और एक अजीब गरीब सी जिंदगी ये जी रहा था. उनकी शादी हुई थी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से, जो अब क्वीन बन गई, क्वीन मैरी. और मतलब ये क्वीन को जो है, इन मोहतरमा को जो है कपड़े उपड़े खरीदने का इतना शौक था और लोग बहुत ज्यादा, एक्चुअली फ्रांस की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई, रॉयल ट्रेजरी में पैसे खत्म हो गए, नोबल सब लूट के ले गए इन द नेम ऑफ सैलरीज एंड अदर अलाउंसेस. और उस दौर में भी मतलब किंग हैड नथिंग टू डू विद द पीपल. और उसमें भी जो है
ये जो महारानी थी इन्होंने कपड़े हर क्लोथ्स वर वेरी मच यू नो अ मैटर ऑफ डिस्कशन इन फ्रांस एंड पीपल एक्चुअली डिड नॉट लाइक हर टू मच. देयर वाज सो मच डिसकंटेंट अगेंस्ट हर क्योंकि वो इस दौर में भी अपने ही बारे में सोच रही थी. उसके अलावा दूसरा ये जो आप समझ सकते हैं ये पैलेस ऑफ वर्साई था जहाँ पे ये लोग सारी ये रहते थे. अब आप समझ सकते हैं कितना बड़ा पैलेस होगा कि इसके मेंटेनेंस और इसका जो भी था. मतलब अल्टीमेटली कहानी ये थी नोबल्स ने सारा पैसा लूट लिया. सारा पैसा जो है नोबल्स के हाथ में आ गया. शाही खजाने में पैसा नहीं है बावजूद उसके महारानी जो है पैसा लुटा रही हैं और किंग जो है वो लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं. कैन नॉट रिलेट टू द पीपल एंड दिस वॉज द कंडीशन ऑफ द फ्रेंच रॉयल फैमिली इन दिस सिचुएशन. ऑन 5 May 1789 सॉरी ये स्टेट्स जनरल की मीटिंग होती है. स्टेट जनरल मीन्स जहाँ पे ये सारे लोग जो है नोबिलिटी और सब लोग आते हैं. ये स्टेट जनरल वॉज लाइक एन असेंबली. इट वॉज लाइक अ पार्लियामेंट सॉर्ट ऑफ स्टफ. और सारे डेलीगेट्स जो हैं वो बैठते हैं. और यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है इस स्टेट जनरल की मीटिंग में किंग नहीं बुलाई होती है. किंग लुई द 16 नहीं बुलाई होती है. और ये कहते हैं कि देखिए सर ऐसा है हम जो जो ये थर्ड स्टेट है ये ऑल ड्रेस्ड इन ब्लैक आता है. बहुत ज्यादा आता है. देवर एक्चुअली स्टेट जनरल को अगर ऐसे समझे तो उसमें सिर्फ 3 वोट था. हर स्टेट का 1 वोट. लेकिन थर्ड स्टेट ने कहा कि नहीं इंस्टेड टेकिंग 3 ऑर्डर्स मीट टुगेदर दैट वोट इज टेकन बाय हेड रादर देन बाय ऑर्डर. वोट किस चीज पे होगा? वोट इस पे नहीं होगा कि 3 स्टेट्स हैं और लेट्स से तीनों में से एक एक तीनों का एक एक वोट मान लिया जाएगा. नहीं, जिसमें जितने लोग हैं उतना वोट होगा और उस हिसाब से जो है वोट माना जाएगा. और ये इसी तरीके से एक्चुअली ये लोग बैठे भी थे उस स्टेट जनरल में. सो दिस इज द प्रिसाइडिंग चेयर लेट्स से. टू द राइट ऑफ देम देयर वर द रेडिकल पीपल सॉरी द टू द राइट ऑफ देम देयर वर द कंजर्वेटिव पीपल एंड टू द लेफ्ट ऑफ देम वर द रेडिकल पीपल. और जो सेंटर में बैठे हुए थे ये जो थे ये लोग ये कंजर्वेटिव या ये इनको मॉडरेट कह सकते हैं आप. तो थर्ड स्टेट ने कहा कि अब नहीं सुन रहे हम आपकी. आपने हमारी जिंदगी तबाह करके रख दी है. यू हैव डिस्ट्रॉयड अवर लाइफ. अब जो भी होगा वो हेडकाउंट से होगा क्योंकि उन्हें पता था हम नंबर में ज्यादा हैं. हमने लास्ट सेशन में देखा, लास्ट वीडियो में आप देखिए जब हमने पॉपुलेशन की अगर हमने बात की थी तो वहां हमने देखा कि किस तरीके से जो कहना चाहिए पॉपुलेशन वाइज थर्ड स्टेट वॉज लाइक 95% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द फ्रांस. तो उन्होंने कहा कि ठीक है आपको जो भी बजट बजट पास कराना है ठीक है वेल एंड गुड. लेकिन जो भी ऑर्डर आपको जो भी आपको चीजें पास करानी है दे शुड नॉट बी उस पर जो वोट होगा वो 1-2-3 वाला वोट नहीं होगा जिसमें जितने हेड काउंट पे आप वोट करेंगे. और ऑब्वियसली उनका प्लान ही यही था कि इससे जो थर्ड स्टेट है उसको मेजोरिटी मिल जाएगी. एंड द किंग एक्चुअली रिफ्यूज्ड द रिक्वेस्ट. और जब किंग ने इस चीज को किंग लुई 16 ने इसे मानने से मना कर दिया तो थर्ड स्टेट ने बोला हम भी नहीं मान रहे आपको. दे वर वेरी मच क्लियर क्योंकि देखिए ये वो दौर था कि अब पानी किसको कहते हैं ना पानी सर से ऊपर निकल गया. नाउ वो कंडीशन आ गई यहाँ पे. इसमें हुआ क्या ये रिफॉर्म्स इन नेशनल असेंबली और इन लोगों ने क्या किया? इन्होंने अपने आप को कह दिया कि नाउ वी आर द नेशनल असेंबली. सबसे पहले पॉलिटिकली ऑल मेल सिटीजन्स इक्वल बिफोर लॉ. पॉलिटिकली दे सेड व्हाट दैट ऑल मेल सिटीजन्स आर अभी थोड़ा सा एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है. लिमिटेड पावर ऑफ द मोनार्की. मोनार्की को हम ज्यादा पावर नहीं देंगे. एस्टैब्लिश लेजिस्लेटिव असेंबली टू मेक लॉज. लॉज जो है ये नोबिलिटी और जो कहना चाहिए ये जो है ये नहीं बनाएंगे बल्कि देयर विल बी अ लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि इन लॉज को बनाएगी. जितने भी मेल सिटीजन्स हैं हु हैव जो टैक्स दे रहे हैं उनको राइट टू वोट होगा टू द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. ये जो स्पेशल प्रिविलेजेस और ये जो नोबिलिटी सारी बातें आप कर रहे हैं इसको आपको अबॉलिश करना पड़ेगा. फ्यूडलिज्म खत्म करना पड़ेगा.
टैक्सेस विल बी लेविड अकॉर्डिंग द एबिलिटी टू द पे. ये सारी चीजें आप देखोगे जो भी है, एबॉलिश गिल्ड्स और फॉरबिड लेबर यूनियंस, यू नो कॉम्पनसेटेड नोबल्स फॉर लैंड सीज बाय द पीजेंट्स, रिलीजियस में डिक्लेरेशन नो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, टुक ओवर एंड सोल्ड चर्च लैंड्स, प्लेस्ड फ्रेंच कैथलिक चर्च अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट, प्रोवाइडेड दैट बिशप्स एंड प्रीस्ट टू बी इलेक्टेड एंड रिसीव गवर्नमेंट सैलरीज. इन्होंने क्या किया, एक मॉडर्न नेशनल असेंबली ने कहा कि हम ये सारी बातें कर रहे हैं, हम नहीं मान रहे, जिसने टैक्स दिया उसको वोट करने का राइट है. अभी फीमेल्स को वोटिंग राइट नहीं मिला है, अभी थोड़ा सा ऑब्वियसली थोड़ा सा अभी एडवांसमेंट जो है इस जेंडर इक्वालिटी वाले सेक्शन पे बचा हुआ है. खैर, और सब कुछ लेबर यूनियंस इन सबको फॉरवर्ड किया गया, फ्यूडलिज्म खत्म किया. उन्होंने कहा कि हम ये टैक्सेस और ये सारी चीजें, हम टैक्स इंसान की पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से होगा, ना कि जो भी आपकी मर्जी आएगी आप इम्पोज कर दोगे. फ्रीडम ऑफ रिलीजन का, चर्च के पास, जैसा कि हमने फ्यूडलिज्म में देखा था कि चर्च के पास बहुत सारी जमीनें हुआ करती थी, तो उन जमीनों को वापस लिया और उसको सोल्ड आउट किया. जो कैथलिक चर्च था, फ्रेंच कैथलिक चर्च, वो स्टेट के अंदर, मतलब नाउ स्टेट वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ सॉरी द चर्च वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट. एंड ये जो बिशप्स हैं और ये जो प्रीस्ट्स हैं, ये अब जो है सरकारी सैलरी पे काम करेंगे, ये अब इलेक्टेड होंगे. सो ये रिफॉर्म्स जो है वो नेशनल असेंबली मतलब वो जो थर्ड स्टेट था उसने कहा कि अब हम नेशनल असेंबली हैं, अब हम सारी बात, अब जो भी होगा वो हम तय करेंगे. उसके बाद उसी साल 20 जून 1789 को हुआ क्या, द स्टेट जनरल्स मीट सेपरेटली एट द किंग्स इंस्टेंट. द थर्ड स्टेट एस्टैब्लिश्ड द नेशनल असेंबली बट वॉज लॉक्ड आउट ऑफ देयर रेगुलर मीटिंग प्लेस इन वर्सायल्स. उन्होंने वो जो हमने देखा ना जनरल स्टेट जहां पे मिल रहा था, वहां से उन्होंने बोला कि अब नहीं, अब आपको इसमें अलाउड नहीं है. जनरल स्टेट की मीटिंग बुलाई गई, जब थर्ड स्टेट पहुंचा तो बोले यू आर नॉट अलाउड. उन्होंने क्या किया, पास में एक टेनिस कोर्ट था, इंडोर टेनिस कोर्ट था, ये वहां पहुंच गए, ये जो पूरा थर्ड स्टेट था, वहां पे उन्होंने ओथ ले ली कि ना हम जब तक इस फ्रांस को आजाद नहीं करा लेंगे, जब तक इस फ्रांस को हम एक नया रिफॉर्म्ड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देंगे, हम नहीं चुप बैठने वाले. द किंग गेव एन एंड टोल्ड, और इतना ज्यादा प्रेशर था कि एक्चुअली किंग हैड टू सरेंडर, और उसने जो है द फर्स्ट एंड द सेकेंड स्टेट से कहा कि ज्वाइन देम. सो दिस वॉज द, बट 14 जुलाई को क्या होता है, मोर देन 800 Parisians gathered outside Bastille, a medieval fortress used as a prison. They demanded weapons, weapons believed to be stored there. Na, ab hathiyar chahiye, because ab the things were getting out of the. और ये जो आप Bastille है ना, आप इसको उन फ्रांस का जलिया वाला बाग समझ सकते हो. लेकिन जलिया वाला बाग में एक डिफरेंस ये था कि गोली वोली चला के वहां पे हो गई उसका, हम मतलब उस वक्त लोगों ने कुछ नहीं किया, लेकिन यहाँ दूसरा उल्टी चीज हो गई. When other people heard, बाकी पेरिस में ये पता चला कि Bastille में जो है ये ओपन फायरिंग हो चुकी, कमांडर ऑफ द Bastille ओपन फायर ऑन द क्राउड, और बैटल शुरू हो गई. उसकी वजह से हुआ क्या, बैटल शुरू हो गई, और जब लोगों को पता चला, they stormed into Bastille, and soon this Bastille became the symbol of French Revolution. और उन्होंने पूरा कैप्चर करके, पूरे Bastille वो जो प्रिजन सॉर्ट ऑफ फोर्ट्रेस था, उसको पूरे को आग लगा दी. एंड स्टिल आज भी फ्रांस में जुलाई 14 इज सेलिब्रेटेड एज द Bastille डे. अब क्या हुआ, अक्टूबर 5 पेरिस वुमेन इन्वेडेड वर्सायल्स. अब इसी इवेंट्स हो रहे हैं, ये मतलब अनसर्टेनिटी में ये सारे इवेंट्स हो रहे हैं कि जो पेरिस की औरतें थी उन्होंने जो है वर्सायल्स की तरफ, और कोई खाने को नहीं था, किंग को मान तो लिया था ये बहुत ज्यादा, और यू नो दे वर लाइक, और कहा जाता है मैरी एंटोनिएट जो क्वीन थी, क्वीन मैरी जो हमने स्टार्टिंग में देखा, मैरी एंटोनिएट, उन्होंने कहा लेट देम ईट केक, दे आर डिमांडिंग ब्रेड. सो इट इज अ फिक्टिशियस कोट, कहा मतलब इट इज, लेकिन ये औरतें जब, और देखो कितना बड़ा एक समझने वाली चीज है और एक ध्यान देने वाली चीज है. यहाँ ऊपर जब नेशनल असेंबली बात कर रही थी, वो बात कर रही थी मेल मेल वोटिंग राइट्स की, मेल रिप्रेजेंटेशन की, लेकिन
एक पॉइंट आया कि जो औरतों को पता है उन्हें हक नहीं मिलेगा, लेकिन उनको ये भी पता है कि इस मिजरी भरी जिंदगी में, इस जलालत भरी जिंदगी में हम नहीं जी सकते, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और उन औरतों ने जिनको पता था अभी हमें ना वोटिंग राइट्स मिलेगा ना कोई हमें इक्वालिटी का हक मिल जाएगा, लेकिन फिर भी उस उम्मीद में कि शायद एक बेहतर जिंदगी हमें आने वाले वक्त में मिले, उन औरतों ने भी अपनी आवाज उठाई। दे इनवेडेड बेसिकली द पैलेस ऑफ पैरिस। सून व्हाट हैपेंड दैट ये सब जब हुआ तो ऑल द पीपल ऑफ द फ्रांस वर दे वर सून इन्वॉल्वड इन द वॉर टू डिफेंड द रेवोल्यूशन इन द नेशन। बहुत सारे ऐसे नोबल्स थे जो वहां से भाग गए, क्लैरिक्स वहां से भाग गए, और वो दूसरी जो नेबरिंग कंट्रीज थी, यूरोप की दूसरी कंट्रीज थी जहां मोनार्की थी और जहां एक्चुअली जो हमने थ्री स्टेट्स वाला सिस्टम पढ़ा वो एग्जिस्ट करता था। उन्होंने कहा कि सर अगर आपने हमारी हेल्प नहीं की तो ये आग तो आपके घर को भी जो है वो तबाह कर देगी। तो उन्होंने कहा एंड और बहुत ज्यादा एक्चुअली मतलब एक पॉइंट ये आया था कि राजा ये जो लुई 16 था और मैरी एंटोनिएट थी, इन्होंने दोनों ने भागने की कोशिश की भेस बदल के, पहचाने गए और मारे गए, पीपल एक्चुअली किल्ड देम। पहले तो ऑब्वियसली उन्हें एज अ ट्रेटर रखा गया। देन द ओल्ड नेशनल असेंबली वॉज रिप्लेस बाय लेजिस्लेटिव असेंबली। This assembly took over the property of those who have fled. तो वो जो nobles और जो clerics जो हैं वो जो बाहर भाग गए थे उनकी सारी property जो है ये assembly ने ले ली। Austrian emperor जिसको actually क्योंकि Austria was like ससुराल of king Louis the 16 और वो जो है Austria जो है Austria का king जो है वो mobilize कर रहा था लोगों को और forces को against France and तो उसको भी ये जो assembly थी उन्होंने कहा कि देखो be in your limits कि आप अपने हदों में रहिए क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो इट नॉट बी गुड। एम्परर ने बोला गो टू हेल। तो नेशनल असेंबली ने बोला ठीक है वी डिक्लेयर वॉर ऑन यू। सून फ्रांस वॉज फाइटिंग ऑस्ट्रिया प्रूशिया एंड सेवॉय इन इटली एंड थ्री वॉज सपोर्टेड बाय आर्मी ऑफ द फ्रेंच एक्साइल्स। सो अब मोनार्की खत्म हो गई, राजा को पकड़ लिया, उधर ऑस्ट्रिया के साथ जो है इन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया नेशनल असेंबली ने। और ये जो यू नो ऑस्ट्रिया से भी लड़ रहे थे, प्रूशिया से भी लड़ रहे थे, इटली की साइड से भी लड़ रहे थे, और ये जो तीनों मतलब जिनसे फ्रांस की नेशनल असेंबली बेसिकली अब लड़ रही थी, अब वहां किंग नहीं है, वो नेशनल असेंबली जो थर्ड स्टेट ने बना दी थी उसकी जगह अब लेजिस्लेटिव असेंबली आ जाती है, और ये सब आपस में लड़ रहे थे। सो नो दैट सपोर्टेड और इनको सपोर्ट किसका मिला हुआ था, ये जो फ्रेंच एक्साइल्स थे, ये जो नोबल्स और क्लैरिक्स थे इनका सपोर्ट मिल रहा था। फ्रांस हैज डिस्ट्रॉयड फ्यूडलिज्म इन मोनार्की एंड फाउंडेड न्यू इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन लिबर्टी एंड इक्वालिटी वेयर इज दीज कंट्रीज ओल्ड वे ऑफ लाइफ रिमेन्ड। सो हुआ क्या, क्यों झगड़ा भी क्यों था और ये एग्जाइल्स को जो है इनका सपोर्ट भी क्यों मिल गया, क्योंकि ये जो ऑस्ट्रिया प्रूशिया और इटली में जहां जहां ये लड़ रहे थे यहां अभी भी वही वो ओल्ड फ्यूडल मोनार्की वाला सिस्टम जो है वो चल रहा था। फ्रांस ने कहा कि नहीं हम Now we are liberty and equality and we are now you know fraternity, वो वाली बात कर रहे थे। जो ऑस्ट्रिया प्रूशियन फोर्सेस का कमांडर इन चीफ था उसने कहा the aim was to suppress anarchy in the France and to restore king's authority. French revolutionary replied by offering fraternity and assistance to all the people wishing to destroy the old order in their countries. और वही हुआ जो ये जो clerics और जो nobles ने आसपास की जो दूसरी countries थी उनको समझाया था कि देखिए संभल जाओ वरना आग तुम्हारे घर में भी लगेगी। और फिर यही हुआ जब ऑस्ट्रिया प्रूशियन का जो जो उनका मिलिट्री कमांडर था उसने कहा कि हम कोई मतलब फ्रांस के साथ हमारा झगड़ा नहीं है, फ्रांस इज अ गुड कंट्री, हम सिर्फ वहां पे ऑर्डर रिस्टोर करना चाहते हैं, हम वहां पे सिर्फ इस एनार्की को खत्म करना चाहते हैं। एंड दे सेड दैट दे वांट टू रिस्टोर द किंग्स अथॉरिटी। और इसी चीजों को यू नो जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने कहा कि ठीक है दुनिया में जो भी यूरोप में जो भी लोग हैं जो इस ओल्ड ऑर्डर को अपनी कंट्री में डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं वी विल गिव देम फ्रेटर्निटी द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड आल्सो हम वी विल हेल्प देम। एंड 1793 में वो जो किंग और क्वीन को जो पकड़ा था दे वर ट्राइड एंड एग्जीक्यूटेड एंड इमीडिएटली आफ्टर दिस एंड दिस वॉज द ब्लंडर ऑन द फ्रेंच साइड
कि इमीडिएटली आफ्टर दैट व्हाट दे डिड वाज दे डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट ब्रिटेन हॉलैंड स्पेन एंड हंगरी एक साथ. बट अ रेडिकल ग्रुप जिनको जैकोबिन्स कहा गया, जैकोबिन्स कहलाते थे, बिलीव इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी, टेम टू पावर. Fearing that revolution was in danger, this group took strong measures to crush formal inimical to the revolution. तो उनमें जो उसमें भी revolutionaries में भी जो थोड़े से radical किस्म के थे ना, वो Jacobins कहलाए. और इन Jacobins ने क्या किया, इन्होंने कहा कि नहीं, ये जो हमारा revolution है ये खतरे में है. और इन्होंने क्या किया, जो उसमें जो इनमिकल या जो कहना चाहिए जो एक लिबरल फोर्सेस थी जो उस रेवोल्यूशन में उस नेशनल असेंबली में, उनके अगेंस्ट एक तरीके से सिविल वॉर सॉर्ट ऑफ स्टार्ट कर दिया. एंड कहा जाता है 14 महीने में कुछ 17,000 लोगों को, यू नो, दे वर ट्राइड एंड एग्जीक्यूटेड. एंड सम पीपल कॉल्ड इट रीन ऑफ टेरर. बुरा दौर था. बट इन सब में क्या होता है कि आर्मी बिकेम इंक्रीजिंगली पावरफुल एंड दिस लेड टू द राइज ऑफ नेपोलियन एंड सून ही डिक्लेयर हिमसेल्फ द एम्परर ऑफ द फ्रेंच रिपब्लिक. नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट होता है ये Jacobins के रीन ऑफ टेरर के बाद, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट होता है. और आर्मी, बट क्योंकि आर्मी वॉर और ये सारी चीजें चल रही थी, आर्मी वॉज हैविंग एन इंपॉर्टेंट प्लेस, सो द आर्मी बिकेम इंक्रीजिंगली पावरफुल एंड दिस लेड टू द राइज ऑफ नेपोलियन एंड हु सून डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द एम्परर ऑफ फ्रेंच रिपब्लिक. सो एक बार Jacobins और जो मॉडरेट्स थे उन्हें Girondins कहा गया. Girondins आपको जैसा अच्छा लगे प्रोनाउंस करिए, डजंट मैटर. सो द नेशनल असेंबली बिकेम ये जो इसके यू नो वांटेड द किंग कंप्लीटली आउट ऑफ द पिक्चर. और ये क्या चाह रहे थे, ये चाह रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जैसा ब्रिटेन में एस्टैब्लिश हो चुकी थी. सो ये डिफरेंस था Jacobins और Girondins में. नाउ वी कम टू द एरिया एरा ऑफ नेपोलियनिक वॉर. 1792 to 1815, France was engaged in war almost continuously. So, एक अच्छा खासा time period होता है ये, करीब 25 साल के आसपास का, उससे ज़्यादा बल्कि, और 25 साल के आसपास का ये time period था इसमें. And it was war between France and other states. Some people have termed, some historians जो कहते हैं वो इसे international civil war कहते हैं, क्योंकि this was fought between the revolutionary France and the countries upholding the old order. So, वो जो old order था, वो three states वाला जो order था, जो old feudal order था, उसके और जो France ने नया liberty, equality और fraternity का concept दिया, उसके बीच ये लड़ाई थी. और unfortunately, France was alone. When Napoleon became emperor, almost every enlightened person in the world sympathized with the French revolution. 1793 या 1796 में and you know French armies conquered almost all of the Western Europe. Napoleon pressed on to Malta, Egypt and Syria 1777 to 1799. Actually यही plan था कि इस दौर, मतलब he was somewhere in North Africa, Northern Africa, और इनका ये था कि Northern Africa occupy कर लें, फिर जो है ये Napoleon जो है Tipu Sultan के साथ मिलके Britishers को India में, they were about to give a good, बट अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया. सो फ्रेंच वर आउटस्टेट फ्रॉम इटली. आफ्टर नेपोलियन सीज पावर, फ्रेंच रिकवर टेरिटरीज शी हैड लॉस्ट, डिफीटेड ऑस्ट्रिया इन 1805, प्रशिया इन 1806 एंड रशिया इन 1807. प्रशिया मींस जर्मनी. ऑन द सी, बट नेवी स्ट्रांग नहीं थी. ब्रिटिश नेवी हमेशा से हमने देखा, जब आप कर्नाटिक वॉर्स भी जब आप इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, तो वहां आप देखेंगे कि ब्रिटिश नेवी जो थी वो हमेशा से एक अपर एज रहा था ब्रिटिश एम्पायर का. एंड फिर क्या हुआ, जितने हारे हुए लोग थे 1813 तक, इन सब ने कॉमन वो बनाया. और सबसे पहले इन्होंने फ्रांस को लिप्जिग में 1813 में हराया और पेरिस रिकवर किया एंड नेपोलियन वाज डिफीटेड. बैटल ऑफ वाटरलू, द लास्ट बैटल यू नो विच नेपोलियन फॉट जून 1815 में, वॉज गॉन. So the peace settlement which involved all Europe took place in the Congress of Vienna in Austria. After the defeat of Napoleon, the old ruling dynasty of France was restored to power. Within few years, in 1830, there was another outbreak of revolution. And in 1848, monarchy was again overthrown through it and soon reappeared. So ye
फाइनली 1871 में जाके ये सारी कहानी खत्म होती है और ये रिपब्लिक वॉज प्रोक्लेम. सो दिस वॉर द इवेंट्स. इनका इम्पैक्ट क्या था और इसके बाद क्या हुआ, वट वॉज दी यू नो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेंच रेवल्यूशन टू द वर्ल्ड एंड वट वॉज द इम्पैक्ट ऑफ दिस ऑन अदर कंट्रीज, इस पूरे इस लंबे चौड़े जो प्रोसेस. क्योंकि देखिए इसमें जो सवालात आएंगे मेंस के अंदर वो ये इवेंट्स आपसे कोई नहीं पूछेगा, इसलिए मैंने बहुत जल्दी जल्दी आखिर में जंप किया. क्योंकि आई हैव टू नो इन द नेक्स्ट लेक्चर दैट विल बी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे कि किस तरीके से इस फ्रेंच रेवोल्यूशन ने दुनिया के ऊपर एक मेजर इम्पैक्ट छोड़ा और उसका उसने हमें क्या दिया. जैसे आप खुद देखेंगे कि लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी ये हमारे प्रियम्बल में भी आता है. तो हमने कितना कितना कुछ सीखा, हमने क्या लिया. और 1871 के बाद ही आप देखेंगे कि हमारा जब फ्रांस में रिपब्लिक बन गया और उसके बाद हमने ये पॉलिटिकल जो फ्रीडम है उसकी बात हम करने लगे. सो हाउ दैट नो इफेक्टेड द वर्ल्ड, दैट विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम. डू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैव नॉट डन इट येट. फॉर एनी फर्दर डिटेल्स यू कैन यू नो वट एवर यू वॉन्ट टू आस्क, यू कैन मेंशन दैट इन कमेंट बॉक्स. So have a great time. Stay safe, stay healthy. Thank you so much.